नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने नागफनी का पौधा लेकर आया हूं। दोस्तों, इस पौधे को देखकर ही डर लगता है, इसके कांटे को देखकर डर लगता है। अगर इसमें हाथ लगाया जाए तो कांटे इतने खतरनाक है कि अगर चुभ जाए तो जलन होंगे बहुत तेज। दोस्तों, नाग के फन दिखाई दे रहा है, इसीलिए दोस्तों इसे नागफनी कहते हैं। और यह रेतीले भूमि में बहुत ज़्यादा, ऊसर भूमि में बहुत ज़्यादा पैदा होता है। और दोस्तों, यह एक जड़ी बूटी है जो कि हजारों साल से लोग आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के रूप में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। दोस्तों, इसे तोड़ने के बाद, फाड़ने के बाद इसके अंदर गुद्दा निकलता है और उस गुद्दे को खाया भी जाता है। बहुत से लोग इसका सब्जी बनाकर खाते हैं जो कि पेटों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। पेट के अंदर एसिडिटी हो, गैस हो, कब्ज हो, पेट में आँत में घाव हो, जख्म हो, बाई गोला हो या अल्सर बीमारी हो, तो उसमें भी दोस्तों इसका गुद्दा बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि इसके गुद्दे के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन ई का मात्रा पाया जाता है, भरपूर मात्रा पाया जाता है। और दोस्तों, विटामिन बी भी इसके अंदर पाया जाता है, और विटामिन बी कम्प्लेक्स भी, और विटामिन बी वन भी पाया जाता है, जो दिमाग को तेज करता है, मजबूत करता है। तो इससे दोस्तों यह साबित होता है कि यह एक जड़ी बूटी है जो दिमाग को काफ़ी तेज करता है, अगर इसका सेवन किया जाए तो। और दोस्तों, दर्द उर्द भी यह फायदेमंद है, बुखार भी उतारता है। अगर किसी को दर्द है तो इसके पत्तों को दो हिस्से में बांट कर, ये जो दिख रहा है इसको बीच से चाकू से काट कर, सरसों का तेल लगा कर, गर्मा कर, घुटने में अगर दर्द है तो घुटने में बांध दीजिए, दर्द को ठीक कर देगा। अगर कमर में दर्द है तो कमर में बांध दीजिए, कमर का दर्द ठीक कर देगा। यानी जहाँ भी दर्द हो वहाँ पर इसे तेल लगाकर गर्माकर बांध दीजिए, ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, इसका इस्तेमाल करने से पहले किसी चाकू से इसके कांटे को साफ कर लीजिएगा, नहीं तो क्या है, कांटा चुभने के बाद बहुत जलन होने लगता है। दोस्तों, इस नागफनी में फल भी लगता है, कांटों के ऊपर फल लगता है, लाल लाल गुलाबी गुलाबी फल रहता है। वो फल खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, उस फल को खाने से पीलिया रोग दूर होता है, इतना फायदेमंद होता है वह फल। आंतों के लिए, पेटों के लिए, हर तरह के पेट की बीमारी के लिए वह फल काफ़ी फायदेमंद होता है। दोस्तों, वह फल लगा नहीं है इसलिए मैं आपको वह फल अभी दिखा नहीं सकता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, इसके जड़ में भी कांटे हैं और तना में, पत्तों में कांटे ही कांटे हैं। मतलब ये समझिए कि इसका कौन सा हिस्सा बिना कांटे का है, वो मैं आपको बता नहीं सकता, आप खुद देख लीजिए। देखिए दोस्तों, यह इसका पुराना जड़ है, वह भी कांटों से भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि नया जो पत्ते निकलते हैं उसमें कांटे हो और पुराने में झड़ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, पुराने के अंदर भी कांटे भरे हुए हैं और नए पत्तों के अंदर भी कांटे भरे हुए हैं। दोस्तों, यह नागफनी का पौधा या जड़ी बूटी आयुर्वेदिक औषधि गुणों से भरे हुए हैं, बहुत ही फायदे हैं इसके अंदर। तो दोस्तों, देख लीजिए, पहचान लीजिए, हाथ पैर घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही कारगर औषधि है। दोस्तों, बवासीर के रोगी भी इसके फल का सेवन कर सकते हैं। फल तो अभी है नहीं, मैं आपको दिखा देता, लेकिन हाँ दोस्तों, फल जब भी मिलेगा मैं आपको दिखाऊंगा। फल आपको मैंने पहले ही बताया, लाल लाल गोल गोल होते हैं, जिस तरह से ड्रैगन का फल होता है उसी तरीके से इसका भी फल होता है। तो चलो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण जानकारी हम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।